ये वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरू से ही इस बात को बल दे रहे हैं, और आप भी देखिए जब कुंभ मेले में जाकर उन्होंने जिस प्रकार से पैर धोने का काम किया वो अपने आप में एक उदाहरण है। ये सामाजिक समरसता और सबको साथ लेकर चलने का एक अच्छा कदम है, और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और हम आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है, और इसकी आवश्यकता भी है। समाज में सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर आगे चलाया जाए, ये वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है। सामाजिक समरसता का पर्व होता है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को सही दिशा देने के लिए जो कदम उठा रहे हैं आज उसकी ज़रूरत है, और दीपावली ऐसे समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दीपावली उनके लिए मंगलमय रहे और अच्छे ढंग से हम सब लोग कार्यक्रम। आज दिवाली के मौके पे मुझे इन सब छोटे छोटे बच्चों के पास आके इनके साथ रह के बहुत खुशी मिल रही है। इन लोगों के चेहरे पे जो खुशी देख रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इन लोगों के लिए दीपावली और आप सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है और ये कार्यक्रम राजलक्ष्मी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। देखिए दीपावली हम सभी लोग मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दीपावली इस भारत में रहने वाले समस्त हिंदू नागरिकों का अधिकार है मनाना। तो ये बस्ती है, सेवा की बस्ती है, जाटापुरे में वाल्मीकि बस्ती है। यहाँ के बच्चे हम चाहते हैं हमारी तरह ही धूमधाम से दीपावली मनाएं, तो हमने सभी लोगों को जोड़ के शहर के यहाँ दीपावली मनाने का प्रयास किया है बच्चों के बीच में। आप सबके संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पर बैठकर भोजन भी साथ साथ होगा, ये और अच्छी बात है। वास्तव में त्यौहार हमको दिशा देते हैं, त्यौहार की जाति समुदाय या धर्म के नाते समाज को सब, और हम सबको साथ में लेकर चलें ये हमारे रुचि का विषय है। तो मैं एक बार फिर से सभी बच्चे यहाँ पर आए, बच्चों यहाँ पर भाषण देने का मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब यह है कि आप दिए जलाएं और कुछ मिठाई आयोजक लोग आपको खिलाएं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।